खुलेआम देसी तमंचे से हो रही चौथ वसूली। तमंचा लहराते हुए बदमाश हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद। आगरा थाना लोहा मंडी क्षेत्र की राजा की मंडी चौकी के अंतर्गत पुनियापाड़ा लोहा मंडी क्षेत्र में चौथ वसूली का मामला सामने आया है, जहां बीती शाम करीब 7 बदमाश हथियारों से लैस होकर पुनियापाड़ा लोहा मंडी निवासी पंकज यादव के ऑफिस में घुस आए और खुलेआम अपने आप को प्रसिद्ध बदमाश जो कि जेल में है उसका भाई बताते हुए 2 लाख की चौथ मांगी, ना देने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। जानकारी होने पर पंकज यादव के परिवारजन तुरंत मौके पर पहुंचे तो बदमाश मौके से तमंचा लहराते हुए भाग निकले। भागते हुए बदमाश लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। पंकज यादव ने तुरंत 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई है। हर पल योगी सरकार गुंडई मुक्त यूपी करना चाहती है, फिर भी बदमाशों के हौसले क्यों हैं इतने बुलंद। मीडिया 100 न्यूज आगरा से ब्रजमोहन निगम की रिपोर्ट। सर आपका नाम? मेरा नाम पंकज यादव है, मंडी आगरे का रहने वाला हूँ। मेरे पास में आज दोपहर में फ़ोन आया था, जो कि जब मैं सो रहा था तब मेरी बैंक ने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा शाम को बात करना। मैंने शाम को फ़ोन उठाया तो वो मुझसे कहना मुझसे आपको सर आपसे मिलना है। सर किस मामले को लेके आपको आपके पास फ़ोन आया? मैं उसको जानता ही नहीं, तो वो मुझसे वैसे ही कह रहा था कि मुझे आपसे मिलना है। मैं ठीक है भाई मिलना है तो तू यहाँ आ जा। मैंने उसको बुलाया तो मैं कृष्णा भाई के ऑफिस में बैठा हुआ था, हमारे पड़ोसी हैं उनका ब्रश का कारखाना, उस पर बैठा हुआ था। वो कौन आदमी थे जो मिलने की कह रहे थे आपसे? मैंने उनसे पहले कभी उन्हें दिखा भी नहीं। हाँ, लेकिन वो जब आते हैं मेरे पास में तो उन्होंने मुझे मारा पीटी की, मेरे ऊपर कट्टा लगा दिया और उसके बाद में उससे बोलने लगे कि हमें पैसे दे तू, उससे पैसे ले रहे हैं। वो मुझसे चौथ मांगने लगे, इसके बीच उन्होंने मारा पीटी की मेरे साथ में। तब उन्होंने मारा पीटी की, उन्होंने कट्टा निकाल के मेरे ऊपर लगा रखा था, तो कृष्णा भाई उसकी उसमें से निकल के बाहर निकलने में सक्षम हो गए। तो उन्होंने बस्ती वालों को बुलाया, तो वो लोग एकदम से निकल के भागे। और वो अपने आप को परिचय भी दे रहा था, कह रहा था कि मुझे मयंक यादव का भाई बोलते हैं, चिराग यादव, कहने लगा कि हम लोगों का यही काम, हम तो यही करते हैं। और इससे पहले उनके कई सारे मामले भी दर्ज हैं, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं थी कि ये कौन है कौन नहीं है। लेकिन जब मुझे बाद में मालूम पड़ी कि सब जी ऐसे ऐसे आदमी, अपने मुँह से परिचय दे रहा था वो, और फिर उन्होंने मेरे से मारा पीटी करके भागते हुआ जब वो वहाँ से भागे तमंचा हाथ में लेकर, तो कैमरे वैमरे में भी आ गए। तो तमंचा किस तरीके का, देसी तमंचा था या 315 का? वो उसमें से ऐसे भरा था उन्होंने, भरा के पहले टेबल पर रखा, टेबल पर रखाने के बाद में हाथापाई की और फिर मेरे ऊपर भी रखा था। तो कुछ पैसों वैसों की कोई मांग करी थी क्या उन्होंने? मांग रहे थे कि पैसे तो हमें, हम तो सर पैसे लेने आए हैं, पैसे दे। हमें ये किस किस चीज़ को लेके बताया था? नहीं कुछ नहीं, पहले फ़ोन किया था, फ़ोन करके मिलना है, मिलने के बाद में बस उसके बाद में बस ये। कितने ये लोग थे जो कारखाने के अंदर आए थे? वो तो केवल 4 ही लोग थे, मतलब एक जिसने नाम बताया अपना, मैं यादव का भाई बता रहा था, हाँ चिराग यादव, वो नाम बता रहा था कि मैं चिराग यादव हूँ, मैंने मास्क चढ़ा कर कहना था मुझे चिराग यादव कहते हैं। उसके संग में 3 लोग और थे। तो बाकी के लोगों को जानते हो क्या आप? नहीं, मैं उनमें से किसी को नहीं जानता, लेकिन जब वो बता रहा है तो उसका जो भाई है मयंक यादव, उसका काफ़ी अच्छा खासा इस क्षेत्र में प्रभाव है, कभी कई सारी फौती और गोली चलाना उसका काम है। तो ये चिराग यादव जो आप बता रहे हो वो कहाँ रहते हैं? वो मनसा देवी गली का, ये भी मनसा देवी राजा मंडी मनसा देवी। अभी आपने इस मामले को लेके पुलिस प्रशासन में कोई तहरीर वगैरह दी है? हाँ मैंने तहरीर दी है, मुझे यहाँ के दरोगा जो हमारे चौकी चार्ज है उन्होंने बहुत आश्वासन दिया, कहा है कि आप पूरी पूरी मदद करेंगे। और सुबह मुझे रिसीविंग देने के लिए भी हो चुका है। ठीक है सर आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा अग्रवाल है, पुनिया पाड़े में मेरी ब्रश की फैक्ट्री है। वहाँ पे पंकज भाई मेरे ऑफिस में बैठे हुए थे, अचानक से 3 जने आए। पहले पंकज भाई के पास किसी का फ़ोन आया था, ये नहीं मालूम किन का फ़ोन था। वो फ़ोन आया, फ़ोन आने के बाद में उन्होंने बुलाया कि मैं आ जाओ मैं यहीं हूँ। तो वो आए, आने के बाद में उन्होंने अपने मुँह से अटैक आया, अटैक बोलते हैं कि वो क्या नाम है यादव, चिराग यादव बोलते हैं, मैं यादव का भाई। तो आने हुए इतनी बात तो मैं भावड़ी में समझ पाया ये काई के क्या है। फिर मैं कुर्सी ले दूध ले दूध उतरी और इतनी में उन्होंने रिवार वोर निकाल दी कट्टा, मतलब एक देसी कट्टा था वो। उन्होंने उसको दाना भी लगाया, लगाने के बाद में मेरी टीवी खराब किया और तीर के अंदर मैं बाहर निकलने की कोशिश करी, काफ़ी करी, मेरे को अंदर धक्का मारा, फिर बड़ी मुश्किल से बाहर निकल के फिर मैंने हल्ला मचाया। तीर के अंदर पब्लिक इकट्ठी हुई है तो तीर के अंदर वो एकदम कट्टा लगा तो वो एकदम सफा हो गया।
का घटना करीब कितने बजे की है? करीब 6:30 बजे। 6:30 बजे किस जगह की घटना है ये? पुनियापाड़ा लोहा मंडी में। करीब कितने लोग थे? वो तीन लोग तो अंदर आए थे, बाकी के बाहर खड़े हुए। तो कोई गोली वगैरह भी चलाई गई थी क्या उनके द्वारा? गोली अंदर नहीं चलाई है, बाहर चलाई है, तो मेरे को बाहर चलाई है शायद, मेरे को सुना बाहर चलाई है, लेकिन अंदर नहीं चलाई, अंदर केवल उनके लाती उनके ऊपर लोड कर दी। देसी कट्टे क्या क्या थे? पिस्टल थी, देसी कट्टा क्या था? देसी कट्टे थे उनके पास। तो किस मामले को लेकर आए थे कुछ बताना चाहेंगे? ये इस बात को अब उनकी उनकी क्या बात हुई है, इस बात की क्या बात? 2 लाख रुपए की फीस मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? 2 लाख रुपए की मांग की थी। 2 लाख रुपए की मांग? किस चीज़ के लिए? ऐसे ही हमें 2 लाख रुपए और तभी हम दे नहीं तो गोली मार देंगे। आपका नाम क्या है? बिट्टू यादव जी। तो ये नहीं मालूम है किस चीज़ के लिए चौथ मांग रहे, जो भी पैसा मांग रहे थे वो किस लिए मांग रहे थे? 2 लाख रुपए देगा तू हमें, नहीं तो हम तीन में गोली मारेंगे। कोई किसने कहा था? जो अपने आप को बता रहा था, मयंक यादव का भाई हूँ, चिराग यादव। ये कहाँ के रहने वाले हैं? मनसा देवी गली का है। मनसा देवी गली किस जगह पड़ती है? राजा मंडी के रहने वाले हैं। अभी आपने इस मामले को लेके कोई लोहा मंडी थाना जो आपका जो पड़ता है उसमें कोई तहरीर वगैरह कुछ पुलिस दे रहे हैं वो आप?